स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी सीकर्स में। और आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि कुछ इश्यूज़ के कारण मैं करंट अफेयर्स की क्लास को रेगुलर नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज से करंट अफेयर्स की क्लास अब रेगुलर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 17 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था। जब यह अधिनियम लाया गया था तो इसमें अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 7 साल की सज़ा होगी। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम में अब 7 साल की सज़ा के बजाय इसे बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया जाएगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तित करते पाया जाता है तो उसे अब 10 साल की सज़ा होगी। अब हम बात करें हिमाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के गवर्नर राजेंद्र आरलेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेज हैं माला डांस, नाटी डांस, राक्षस डांस, दलसोम डांस और चुलम्बा डांस। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं इंदरकिला नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कुल्लू दशहरा फेस्टिवल, हल्दा फेस्टिवल, साजो फेस्टिवल और ला दर्चा फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में दर्रे पाए जाते हैं, बारा लाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 68, लोकसभा सीटों की संख्या है 4, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। बात करें हिमाचल प्रदेश के स्टेट सिंबल्स की, तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, स्टेट बर्ड है ब्रेस्टन ट्रेपोगन, स्टेट फ्लावर है पिंक रोडेंड्रॉन, स्टेट ट्री है देवदार। बात करें हिमाचल प्रदेश से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो व्यवस्थित ढंग से दालचीनी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत के पहले मॉन्क फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई है। घरों में 100% LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा के साथ मिलकर आदि बद्री बांध का निर्माण करेगा। 9वीं महिला आइस हॉकी का आयोजन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में किया गया था। हाल ही में लाहौली मोजे और दास्ताने को GI टैग मिला है। काजा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। हिमाचल प्रदेश ने कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन का GI टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन के लिए पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नागचला हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उनमेस आयोजित किया गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के काजा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिम खोला गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह योजना ऐसे अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, तथा वे बाल आश्रमों से निकलकर उन्होंने IIT या NEET जैसी परीक्षाओं को पास कर लिया है, तब ऐसे बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार 24 साल की उम्र तक 5,000 रुपये वित्तीय सहायता हर महीने करेगी। अब हम बात करें मध्य प्रदेश से जुड़े स्टैटिक GK की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के फोक डांसेज हैं जावरा डांस, मटकी डांस, खड़ा नाच, गिरदा डांस और मांच डांस। मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं लोकरंग फेस्टिवल, मालवा उत्सव, तानसेन संगीत समारोह, हरेली फेस्टिवल और कर्मा फेस्टिवल। मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क और फॉसिल नेशनल पार्क। बात करें मध्य प्रदेश से स्टेट सिंबल्स की, स्टेट एनिमल है स्वाम्प डियर, स्टेट बर्ड है पैराडाइज फ्लाई कैचर, स्टेट फ्लावर है पलास, स्टेट ट्री है बनियान। बात करें मध्य प्रदेश से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो भारत का पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में खोला गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना चलाई गई है।
मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्यामामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारत का पहला बायो सीएनजी प्लांट खोला गया है। मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल ने खुद का रेडियो चैनल शुरू किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में लॉन्चपैड योजना चलाई गई थी। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। लता मंगेशकर अकादमी की स्थापना करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल को शुरू किया गया है। हाल ही में असम में पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला ट्राइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चर्चा में दोनाई पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। दोनाई पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बनाया जा रहा है। बात करें अरुणाचल प्रदेश से जुड़े स्टैटिक जीके की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के फोक डांसेज हैं आजी लामो डांस, चलो डांस, पोपुरी डांस और पोनुंग डांस। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं लोसार फेस्टिवल, लोकू फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, सियांग नदी महोत्सव और जीरो संगीत फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में जनजाति पाई जाती है आदि ट्राइब, अपातानी ट्राइब, मोनपा ट्राइब और खंपती ट्राइब। अरुणाचल प्रदेश में मठ पाए जाते हैं तवांग मठ, उर्गेलिंग मठ और रिगेलिंग मठ। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं डाफला, अबोर, मिसमी और पटकाईबुम। बात करें अरुणाचल प्रदेश के स्टेट सिंबल की, तो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है मिथुन, स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्किड, स्टेट ट्री है होलोंग। बात करें अरुणाचल प्रदेश से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो अरुणाचल प्रदेश के वालोंग किबूथू रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। भारत का पहला सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी समाचार अरुण भूमि है। अरुणाचल प्रदेश ने कैसर ए हिंद तितली को राजकीय तितली बनाया है। अरुणाचल प्रदेश में रावत हाल का उद्घाटन किया गया है। विश्व की सबसे लंबी बाई लेन सड़क सैला टनल पर बनाई गई है। पूर्वोत्तर भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में ट्रोगाया महोत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्टेशन योजना चलाया गया है। हाल ही में मैकॉक बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सैला सुरंग के नाम पर रखा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौ रोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पारसी। नौ रोज त्यौहार को पारसियों का न्यू ईयर भी कहते हैं और इसे ईरानियों का न्यू ईयर भी कहा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि मुख्यतः नौ रोज त्यौहार ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि नौ रोज त्यौहार को भारत में कौन लेकर आया? तो नौ रोज त्यौहार को भारत में मनाने की शुरुआत बलबन ने की थी। अब हम आगे बढ़ें और बात करें कि भारत में मनाए जाने वाले नौ वर्ष, हाँ आपने सही पढ़ा या सही सुना, भारत में मनाया जाने वाला नौ वर्ष। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत में कितने सारे नौ वर्ष मनाए जाते हैं। अरे जैसा कि हम सब जानते हैं भाई कि भारत में विविधता में एकता है। जिस प्रकार से भारत में कई सारे धर्म पाए जाते हैं और उनके अलग अलग त्यौहार होते हैं, उसी तरह से उन धर्मों के अलग अलग नौ वर्ष भी होते हैं। तो बात करें बैसाखी की, तो ये पंजाबी नौ वर्ष होता है। नवरोह ये कश्मीरी नौ वर्ष होता है। लोसार ये तिब्बतियों का नौ वर्ष होता है। लोसांग ये सिक्किमी का नौ वर्ष होता है, यानी कि ये सिक्किम में मनाया जाता है। चेती चंद ये सिंधियों का नौ वर्ष होता है। गुड़ी पड़वा ये मराठियों का नौ वर्ष होता है, मुख्यतः ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोहला बैसाख ये बंगाली नौ वर्ष होता है, जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बोहाग बिहू ये असमिया नौ वर्ष होता है, यानी कि ये असम में मनाया जाता है। पन संक्रांति ये उड़ीसा का नौ वर्ष होता है, यानी कि ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उगादि ये तेलुगु नौ वर्ष होता है, ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। पुथांडू ये तमिल नौ वर्ष होता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिसु ये मलयाली नौ वर्ष होता है, ये मुख्यतः केरला में मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक ने उत्सव फिक्स डिपॉजिट योजना लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। इस योजना के तहत आप अपने पैसे को 1000 दिन तक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं तथा SBI उस पर आपको 6.10% का इंटरेस्ट देगी। हम बात करें बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, तो RBI ने फीचर फोन के लिए 123 पे लॉन्च किया है।
भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज की लेन देन पर 30% का टैक्स लगाया है। HDFC बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च किया है। RBI ने 59 लाख की पेनल्टी लगाई है क्याभाना बैंक पर। यूनियन बैंक ने ट्रेड नेक्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। RBI ने रेपो रेट को 5.40% कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है। PNB मेटलाइफ ने पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और HPCL ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। LIC ने सेविंग लाइफ इंश्योरेंस बीमा रत्न शुरू किया है। क्वाइनस्विच ने रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स जारी किया है। Kia.ai ने भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया है। ICICI बैंक ने जस्ट मनी के साथ कार्डलेस EMI सुविधा शुरू किया है। एक्सपे लाइफ ने ब्लॉकचेन सक्षम UPI सेवा शुरू किया है। RBI ने रुपी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च करने को कहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13वें। इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। बात करें इसमें दिए गए अवार्ड्स की, तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 83 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सुजीत सिकार को, जिनकी फिल्म है सरदार ऊधम सिंह, और अपर्णा सेन को, जिनकी फिल्म है द रेपिस्ट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर सिंह को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है शेफाली शाह को। बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है मुंबई डायरी 26/11 को। अब बात आई है फिल्म अवार्ड्स की, तो हम नेशनल अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स को कैसे भूल सकते हैं? तो बात करें नेशनल अवार्ड्स की, तो 2022 में ये 68th नेशनल अवार्ड था। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सोराई पोटरू को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सैची को, इनकी फिल्म है अयप्पम कोसियम। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है तानाजी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सूर्या, इनकी फिल्म है सोराई पोटरू, और अजय देवगन को, इनकी फिल्म है तानाजी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अपर्णा बालमुरली को सोराई पोटरू फिल्म के लिए। अब हम बात करें ऑस्कर अवार्ड्स की, तो 2022 में ये 94th ऑस्कर अवार्ड्स था। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है कोडा को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टेन को द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ड्राइव माई कार, जो कि जापान की फिल्म है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है इकांटो को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नहीं है, ये एक IS ऑफिसर हैं जिनका नाम पीयूष गोयल है, जिन्हें नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है। हम बात करें हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, तो मनोज कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है खादी विकास और ग्राम उद्योग आयोग का। रेणू सिंह को निदेशक बनाया गया है वन शोध संस्थान का। विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव बनाया गया है। शांति श्री धुलीपुड़ी को कुलपति बनाया गया है JNU का। मनोज सोनी को अध्यक्ष बनाया गया है संघ लोक सेवा आयोग का। पमिला जसपाल को CFO बनाया गया है ONGC का। तरुण कपूर को सलाहकार बनाया गया है PM मोदी का। अजय कुमार सूद को प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। विवेक रुसिया को कल्याण आयुक्त बनाया गया है। निधि छिब्बर को अध्यक्ष बनाया गया है CBSE का। प्रदीप कुमार मोहंती को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है लोकपाल के अध्यक्ष का। राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नल्ला थंबी कलाई सेल्वी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं CSIR की। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नल्ला थंबी कलाई सेल्वी पहली महिला अध्यक्ष बनी है CSIR की। राजेश गेरा को महानिदेशक बनाया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का। रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। परमेश्वरन अय्यर को CEO बनाया गया है नीति आयोग का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस फुटबॉल क्लब ने UEFA सुपर कप का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने UEFA सुपर कप का खिताब अपने नाम फ्रैंकफर्ट को हरा के किया है। बात करें खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। दूसरा खेलो यूनिवर्सिटी गेम जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने जीता है। हर्षदा गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता है IWF जूनियर विश्व कप में। भारत ने Under-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। केरल ने संतोष ट्रॉफी जीती है। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। थॉमस कप जीता है भारत ने। निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। गुजरात टाइटन्स ने IPL 2022 जीता है। भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप जीती है। उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। आर प्रज्ञानंद ने रिकजैविक चेस टूर्नामेंट जीता है। सुपर नवाज ने वुमेंस T20 चैलेंज जीता है।
इंडिया ने कांस्य पदक जीता है हॉकी एशिया कप में, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है, नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और अगर आपको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में पूरी नॉलेज लेनी है तो मैंने अलग से कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे लिस्बन ट्रेनले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है मारियाना तबस्सुम। लिस्बन ट्रेनले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। तो लिस्बन ट्रेनले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली मारियाना तबस्सुम साउथ एशिया की पहली व्यक्ति हैं, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मारियाना तबस्सुम ये बांग्लादेश की महिला हैं। बात करें हम अब महत्वपूर्ण अवार्ड्स की जो हाल ही में दिए गए हैं, तो दीपक धर को बोर्ड्समैन अवार्ड दिया गया है, दिवेंदे फ्रांसिस केरे को प्रिजगर प्राइज दिया गया है, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहते हैं, मोहम्मद रेजा मौसमी को ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है, डेनिस पी सुलेबन को एबल प्राइज 2022 दिया गया है, विल्फ्रेड बुटसायर्स को स्टॉक होम वाटर प्राइज दिया गया है, पीएम मोदी को लता दीनानाथ अवार्ड दिया गया है, विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है, भूषण कुमार को इंटरनेशनल गांधी फॉर लिबरेसी अवार्ड दिया गया है, डेविड एटनब्रो को चैंपियन ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, व्लादिमिर जेलसिंकी को जॉन एफ कैनेडी करेज अवार्ड दिया गया है, किशोर दास को कॉमनवेल्थ पॉइंट लाइट ऑफ अवार्ड दिया गया है, तेज कौल को निर्मल देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है, सिंथिया रोजेनबिक को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है, बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है, ओरांग नेशनल पार्क को आयुसीएन रेंजर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तथा इसे याद रखिएगा कि ओरांग नेशनल पार्क को आयुसीएन रेंजर अवार्ड दिया गया है, उमर निसार को इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड दिया गया है, नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया है, जो कि जापान का एक अवार्ड है। के पी कुमारन को जेसी डैनियल अवार्ड दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 13 अगस्त। इस बार की थीम है लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। अब यहाँ पे अंगदान की बात हुई है, तो इससे आप एक फैक्ट को याद रखिएगा कि जो सबसे पहला जिस अंग का दान किया गया था वो था किडनी। अब हम आगे बढ़ें और बात करें अगस्त के महत्वपूर्ण दिनों की, तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, विश्व संस्कृति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आज के क्लास की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको आज के क्लास से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है, तो बेझिझक आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ अपनी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की यह क्लास पसंद आई होगी, और डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।